प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल पाठशाला में, डिजिटल लर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया। नेटवर्क की ट्रांसमिशन का जो भी माध्यम होता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स विच कम्युनिकेशन चैनल और पाथ वी आर यूजिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है विच कम्युनिकेशन चैनल और पाथ, हम कौन सा संचार का माध्यम या पाथ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वी आर यूजिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के बीच में। ठीक है, नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया हैव बाउंडेड, गाइडेड मीन्स वायर्ड एंड अनबाउंडेड, अनगाइडेड मीन्स वायरलेस मीडिया फॉर कम्युनिकेशन। अब नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया को हमने दो भागों में विभाजित किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है इसको, बाउंडेड में इसको हम गाइडेड भी बोलते हैं और वायर्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से बोर्ड वाले पूछ लेते हैं, बाउंडेड क्या होता है, गाइडेड क्या होता है या वायर्ड क्या होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इन तीनों ये नाम पता होना चाहिए। एंड अनबाउंडेड को बोलते हैं अनगाइडेड और वायरलेस मीडिया। ठीक है, तो नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ नीचे एक तरफ बाउंडेड और गाइडेड मीडिया, दूसरी तरफ अनबाउंडेड और अनगाइडेड मीडिया, या वायर्ड या वायरलेस भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरा आप लोगों ने ऐड कर लेना बीच में। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बाउंडेड और गाइडेड मीडिया से। बाउंडेड मीडिया इज ए वायर्ड मीडिया। बाउंडेड मीडिया एक वायर्ड मीडिया है, वेयर वी कनेक्ट कंप्यूटर थ्रू केबल्स। ठीक है, इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है ना, बाउंडेड मीडिया क्या है, एक वायर्ड मीडिया है जहाँ पे हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं केबल्स के जरिए, सच एज जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, कोएक्सियल केबल होती हैं और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स मतलब मुड़ी हुई आपस में एक जोड़े में होती हैं, पेयर में होती हैं। कोएक्सियल केबल ये जो डिशेज की लगती हैं या घर में केबल आई होगी आपके, ठीक है, तो वो वाली केबल्स कोएक्सियल केबल्स होती हैं। और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं जो रोशनी के ऊपर काम करती हैं। नेक्स्ट आपको क्लियर हो जाएंगी ये जो नेक्स्ट पॉइंट आएंगे बाउंडेड मीडिया के। ठीक है, तो बाउंडेड मीडिया का जो डायग्राम बनाया हुआ है एग्जाम में भी सेम ऐसे ही आप लोगों ने डायग्राम बनाना है। ठीक है, ट्विस्टर पेयर केबल हो गई, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। अब सबसे पहले देखते हैं कि ट्विस्टर पेयर केबल्स। ट्विस्टर पेयर केबल्स कंसिस्ट टू कंडक्टर इन इट्स ओन प्लास्टिक इंसुलेशन विच कैरी सिग्नल्स ऑन बोथ डेस्टिनेशन। अब ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, मुड़ी हुई जो जोड़े में होती हैं केबल, ये देखो ट्विस्टेड ही है ये, आपस में देखो मुड़ी हुई है ना, और जोड़े में है, पेयर में है। कंसिस्ट टू कंडक्टर, जिसमें दो कंडक्टर को कंसिस्ट करती है, इसके अंदर लगे होते हैं, समाविष्ट होते हैं इसके अंदर, इन इट्स ओन प्लास्टिक इंसुलेशन, अपनी एक प्लास्टिक इंसुलेशन के अंदर। ये सारे के सारे, ये भी प्लास्टिक की इंसुलेशन है और इनको भी प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा हुआ है, आवरण चढ़ा हुआ है, इंसुलेशन मतलब प्लास्टिक का आवरण। विच कैरी सिग्नल ऑन बोथ डेस्टिनेशन, वो जो दोनों तरफ जो सिग्नल्स को कैरी करती हैं, सेंटर की तरफ और रिसीवर की तरफ, दोनों तरफ। ठीक है, इट्स ट्रांसमिशन स्पीड इज, अब इसकी जो ट्रांसमिशन की स्पीड है, ट्रांसमिशन की स्पीड 9600 बिट्स पर सेकंड है इन ए 100 मीटर डिस्टेंस, 9600 बिट्स एक सेकंड में ट्रांसमिट करती है और वो भी 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, ये इसकी रेंज है। ठीक है, दीज केबल्स आर यूज इन अवर लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन। अब इन केबल्स का जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है हमारी जो लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन है उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमारे घर में जो लैंडलाइन केबल्स आती हैं ना, जहाँ से कनेक्शन आता है, इसी तरह का वो तार का गुच्छा बना होता है, उसके अंदर से तरह की डबल डबल केबल्स होती हैं। ठीक है, पेयर में होती हैं, तो वो होती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स। और घर में हम नॉर्मली भी वायर्स यूज़ करते हैं तो, लेकिन उनका यूज़ हम डाटा ट्रांसमिशन के लिए नहीं कर सकते, जो बिजली में बल्ब वगैरह जलाने के लिए करते हैं ना, इसके अंदर जो कॉपर का मटेरियल लगा होता है स्पेशल होता है, लाइट वेट होता है और डाटा ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोएक्सियल केबल की। अब नीचे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि कोएक्सियल केबल किस तरह की होती है, कोएक्सियल केबल। ठीक है, कोएक्सियल केबल्स वाइडली यूजेस इन अवर लोकल एरिया नेटवर्क। अब कोएक्सियल केबल जो होती है वो ज़्यादातर विस्तृत तौर पर, वाइडली विस्तृत तौर पर इस्तेमाल होती है हमारे जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें। ठीक है, घर में जो हमारे जो केबल्स के जरिए चैनल्स आते हैं, मल्टीमीडिया के जो साधन हैं, जो भी आ रहे हैं हम घर में देख रहे हैं चैनल्स वगैरह, ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल लोकल एरिया नेटवर्क का है। जिस तरह से कंप्यूटर जुड़े होते हैं ना, ये हमारे टीवी जुड़े हुए हैं। ठीक है,
तो इस कोएक्सियल केबल के जरिए जुड़े हुए, इसलिए इस केबल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, ठीक है। इट्स ट्रांसमिशन स्पीड इज़ वेरी हाई। अब इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा है। इट कैन कैरी सिग्नल्स इन ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ये सिग्नल को कैरी कर सकती है एक बहुत ही लंबे डिस्टेंस के ऊपर, और वो भी 185 मीटर टू 500 मीटर्स, 185 मीटर से लेकर 500 मीटर तक। ये डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पे ये सिग्नल्स को आसानी से कैरी कर लेती हैं। कोएक्सियल केबल इज़ कंपोज्ड विद, अब ये जो कंपोजिंग की होती है, जो बनी होती हैं, विद ए कॉपर कंडक्टर। ये देखो कॉपर का कंडक्टर लगा हुआ है बीच में सेंटर में, और बाहर भी जो इसकी जो इंसुलेशन बनी हुई है ना, प्लास्टिक की इंसुलेशन तो है लेकिन एक इंसुलेशन और बनी हुई है सेकेंड कंडक्टर की, लेकिन इसको इंसुलेशन ही बोलेंगे, कंडक्टर नहीं बोलते हैं। एक सिंगल कंडक्टर लगा होता है बीच में, ये भी काम अर्थिंग का करता है। दो होते हैं वैसे, है ना, चलते तो एक डीसी से और एसी से चलती हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, ये दोनों बराबर काम करते हैं तभी काम करती हैं केबल्स हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स। अब ये जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं, इनमें एक बंडल बना होता है ग्लास थ्रेड का। ये देखो ये ग्लासेस के ही हैं, बने हुए थ्रेड, बने हुए ग्लासेस के थ्रेड हैं। कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ, बंडल बहुत सारी हैं इसलिए बंडल बोल रहे हैं इसको, ठीक है। बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स विच ट्रांसमिट मैसेजेस ऑन टू द लाइट वेव्स, जो मैसेज को ट्रांसमिट करती है लाइट वेव्स के ऊपर, इनसे लाइट वेव निकलती है, ठीक है, उनके ऊपर ही मैसेज की ट्रांसमिशन होती है। इट कैन कैरी सिग्नल इन अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस अप टू 2 किलोमीटर्स। ये सिग्नल्स को कैरी कर सकती है एक बहुत लंबे डिस्टेंस के ऊपर, 2 किलोमीटर लगभग, ठीक है। अब देखो शुरू में हमने जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स देखी थी, उनका जो डिस्टेंस था वो बिल्कुल ही कम था, है ना, वो उसका जो डिस्टेंस था मेरे ख्याल से 100 मीटर डिस्टेंस के ऊपर। और ये जो हमारी कोएक्सियल केबल है, ये 185 मीटर टू 500 मीटर्स तक, और ये जिनकी बारे में अभी बात कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की, तो 2 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ठीक है। इनकी एज़ कम्पेयर टू अदर केबल्स, इट कैन ट्रांसमिट सिग्नल्स इन ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। इट कंसिस्ट अ कोर, अब देखो इसमें क्या लगा होता है, क्या क्या बना होता है इसके अंदर, किस तरह से इसकी कंपोजिंग की गई होती है। इट कंसिस्ट अ कोर, इसमें एक अंदरूनी भाग बना हुआ होता है, कोर, सबके अंदर एक कोर बना हुआ है, इसकी जो बीच वाला जो आंतरिक भाग है ना, अंतर भाग को बोलते हैं कोर, ठीक है। क्लैडिंग बनी हुई है, एक धातु का आवरण बना हुआ है, क्लैडिंग कोटिंग बनी हुई है, हर एक इसके ऊपर कोटिंग हुई पड़ी है, प्लास्टिक की इंसुलेशन की कोटिंग हुई है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग है मतलब कि मजबूत होती हैं ये, स्ट्रेंथनिंग होती है इनकी, ठीक है, ऐसे नहीं होती हैं कि ये तोड़ जाएंगी ऐसे। एंड केबल जैकेट, और बाहर जो है केबल की जैकेट भी बनी हुई है, सबके लिए केबल की जैकेट बनी हुई है, ठीक है, उनके अंदर ही है ये सारी सेफ। चलिए हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की। कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक सिंगल मोड में होती है और मल्टी मोड में। यहाँ देखो ये सिंगल मोड है ना, और ये मल्टी मोड है, मल्टीपल थ्रेड्स मीन मल्टीपल मोड्स हो गया, सिंगल मोड में ये सिंगल मोड है। अब देखो इनमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे भी वही लिखी हुई है चीज़, सिंगल मोड, इन ए सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल लाइट ट्रैवल ओनली इन ए स्ट्रेट लाइन। ये जो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं, इनमें लाइट ट्रैवल हमारी सीधी लाइन में करती हैं, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, बिकॉज इट्स कोर साइज इज ऑफ 8 और 10 माइक्रॉन्स होता है, क्योंकि इनका जो कोर साइज जो होता है, इसका जो भीतरी भाग होता है वो 8 और 10 माइक्रॉन का होता है, ठीक है। इस भीतरी भाग को बोल रहे हैं ये भीतरी भाग जो है इसका, जो बोल रहे हैं कि ये होता है 8 और 10 माइक्रॉन्स में होता है, कम होता है, इसका मतलब ये सीधी लाइन में ये ट्रैवल करता है इसमें सिग्नल जो होता है, ठीक है। लेकिन मल्टी मोड में क्या होता है, इन्हें मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल लाइट कैन ट्रैवल इन मल्टीपल पाथ, पर लेकिन ये जो मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं, इनमें जो सिग्नल होता है हमारा मल्टीपल पाथ पे ट्रैवल कर सकता है, बिकॉज इट्स कोर साइज, क्योंकि इनका जो कोर साइज़ होता है वो 50 और 62.5 माइक्रॉन्स होता है, इसका ज़्यादा कोर साइज़ होता है, केबल्स भी ज़्यादा आती हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे जो चित्र इसका जो बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, ये देखो इसका, ये इनका बीच का तो है ही है कोर, लेकिन ये जो बड़ा सा कोर है इसके अंदर बहुत सारी केबल्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये सिंगल सिंगल मोड में है, तो इसके अंदर इतनी केबल्स नहीं आ सकती हैं, तो उसका जाहिर सी बात है कि अगर इसमें सिंगल मोड में एक ही केबल डली होगी और वो सीधी लाइन में ट्रैवल करेगी, लेकिन ये मल्टीपल लाइन पाथ में ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। तो ये थी इसकी टाइप्स, ठीक है, फाइबर
फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की टाइप्स। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल केबल्स। अब तीनों केबल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब ये जो हमने पीछे क्वेश्चंस के आंसर पढ़े आधे तो वहाँ से निकल जाते हैं इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं। अब देखो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल इट ट्रांसमिट सिग्नल्स इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म फ्रॉम वन मेटल कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, इट ट्रांसमिट सिग्नल्स इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ठीक है, ये जो ट्रांसमिट करती है सिग्नल ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बिजली के रूप में करती है ओवर मेटल कंडक्टिंग वायर, जो भी मेटल की कंडक्टिंग वायर होती है उनके ऊपर। ठीक है, अब कोएक्सियल केबल क्या करती है, ट्रांसमिट सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ये भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करती है ओवर, लेकिन ओवर इनर कंडक्टर ऑफ केबल, इसके बीच में जो कंडक्टर बना होता है उसके बीच उसके अंदर करती है। ठीक है, कोएक्सियल केबल के बीच में एक सिंगल सा बना होता है ना कंडक्टर, और इनमें तो दो होते हैं कंडक्टर बने हुए, अलग अलग बने होते हैं, लेकिन इसमें भी दो ही होते हैं, लेकिन बाहर जो उसका जो इंसुलेशन बनी होती है वो उसका अलग थोड़ा सा काम रहता है। यहाँ पे अब इसको आपने यूज़ करना हो टेलीफोन लाइंस के लिए तो इनका यूज़ नहीं करते हैं, जबकि इसका जो बढ़िया यूज़ है वो टेलीफोन लाइंस के लिए। अब ये जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स है, ट्रांसमिट सिग्नल इन ऑप्टिकल फॉर्म ओवर ग्लास फाइबर। अब इनका जो ट्रांसमिट सिग्नल्स है इन ऑप्टिकल फॉर्म में है, यानी कि रोशनी के रूप में है ओवर ग्लास फाइबर। अब जो ग्लास फाइबर बने हुए हैं ना, यानी कि फाइबर, तब जो प्लास्टिक और कुछ मटेरियल होता है मिक्स, उसको हम फाइबर बोलते हैं, उनके मिक्सचर से ये ग्लास बने हुए हैं, बोल रहे हैं कि इनका जो सिग्नल जो होता है वो रोशनी के रूप में होता है, और वो भी ग्लास के फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर होता है। ठीक है, इनका मेटल कंडक्टिंग में है और इसका ग्लास फाइबर में है, बस इतना सा डिफरेंस है, ये रोशनी के ऊपर है और ये आपस में कंडक्टिंग होती हैं सारी की सारी। इट कैन बी अफेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरे हैं ना तो इनका जो सिग्नल की जो ट्रांसमिशन है वो अफेक्ट हो जाती है, जबकि कोएक्सियल केबल इट कैन लेस अफेक्टेड है बाय मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर ये किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रही होती हैं केबल तो इनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम अफेक्टेड होती है, लेकिन फाइबर ऑप्टिकल केबल कैन नेवर अफेक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि रोशनी के ऊपर ट्रांसमिशन होता है ना, तो इनके अंदर जो ट्रांसमिशन हो रही होती है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होती है। यहाँ पे हम इनका डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 100 मीटर पे सिग्नल ट्रांसमिट करती है कोएक्सियल केबल, 185 मीटर टू 500 मीटर, और ये अप टू 2 किलोमीटर करती है। ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हैं इस डिफरेंस को यहाँ के बीच में। ठीक है, अब थर्ड डिफरेंस आता है, इट इज़ चीपर, ये बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, इट इज़ मॉडरेट, ये थोड़ी सी और महंगी होती है, मॉडरेट मध्यम मतलब दर्जे की होती है ये महंगी, और इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, इट्स बैंड विड्थ इज़ वेरी लो। अब इसकी जो बैंड विड्थ होती है, डाटा ट्रांसमिशन स्पीड को हम बैंड विड्थ बोल देते हैं। ठीक है, बैंड विड्थ कितनी है अभी इसकी, तो इसकी जो बैंड विड्थ है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। ठीक है, जबकि कोएक्सियल केबल की इस बैंड विड्थ इज मॉडरेट। ठीक है, इसकी जो है मॉडरेट है, मतलब औसतन भी बोल सकते हैं इसको, है ना, धीमी है, मतलब कम है, मध्यम दर्जे की है, या औसतन बोल सकते हैं इसको कि औसतन है। इस बैंड विड्थ इज मॉडरेट हाई, इसकी जो बैंड विड्थ है वो औसतन जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, इस बैंड विड्थ इज वेरी हाई, इसकी जो बैंड विड्थ है वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है, जबकि फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की। इंस्टॉलेशन ईजी, इसकी इंस्टॉलेशन ईजी है, इंस्टॉलेशन इज फेयरली ईजी, इसकी थोड़ा सा फेयरली ईजी है, और इंस्टॉलेशन इज़ डिफ़िकल्ट, जबकि ये जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं इनकी इंस्टॉलेशन जो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये थे हमारे इन केबल्स के बीच के डिफरेंसेस। कल हम पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया के बारे में। तो आज के लिए इतने काफ़ी था, कल फिर मिलेंगे इस नए टॉपिक के साथ, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।